आप सभी का एक नई वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों आज यही बताऊंगा कि वैक्यूम कैसे करना चाहिए एसी का, ठीक है, जो अच्छी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ये लाल बटन है दबा दो। ठीक है, मुझे आप लोग सपोर्ट की जरूरत है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वैक्यूम का तरीका बताता हूँ जिससे कूलिंग बहुत अच्छी आती है एसी का। ठीक है, वैक्यूम पम्प है, वैल्यू कंपनी का ये वैक्यूम पम्प है। ठीक है, और देख सकते हैं कि मैंने ये पाइप लगाया यहाँ पे, ठीक है, और ये लूज है। ठीक है, मतलब ये लूज है, देख सकते हैं। ठीक है, इसको लूज रखना है, और ये देखिए ये पाइप गया है दोस्तों बीच में। ठीक है, अब बीच में से ये दोस्तों ये जो वैसे तो करते हैं इसमें, आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं, -28 तक जाएगा तो ये वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इससे भी वैक्यूम कर सकते हैं और इससे भी, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी से करते हैं। ठीक है, तो -28 पे जाएगा ना दोस्तों, देखिए -30 है ना, तो -30 पे जाएगा या -28 पे तो वैक्यूम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि ये चार्जिंग लाइन वाल में जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं वाल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब पूरा मतलब दोस्तों अगर सिंगल स्टेज का है तो दोस्तों आधा घंटे में हो जाता है, और डबल स्टेज का है दोस्तों तो 15 मिनट में हो जाता है वैक्यूम। ठीक है, मैं पूरे 30 मिनट करूँगा इसको वैक्यूम, क्योंकि दोस्तों मेरा जो है सिंगल स्टेज का वैक्यूम है। ठीक है, तो ऐसे ही वैक्यूम किया जाता है, जो कि देख सकते हैं ये चल रहा है, ये स्विच यहाँ से ऑन ऑफ करने का, तो ये चल रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट वैक्यूम करेंगे, उसके बाद दोस्तों गैस डालेंगे। गैस कैसे डालना है वैक्यूम करने के बाद वो भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ये वोल्टास कंपनी का एसी है, इसी का मैं वैक्यूम कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए वैक्यूम मैंने पूरा आधा घंटा कर लिया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये -30 पे ये भी गया हुआ है। ठीक है, तो ये अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले बंद करूँगा, ये पहले से ही बंद है। ठीक है, ये खुला हुआ था। ठीक है, ताकि अंदर का जो एसी में क्या वो मॉइस्चर इधर से आकर के ये वैक्यूम पंप में चला जाए। ठीक है, तो वैक्यूम कंप्लीट हुआ, अब इसको मैं बंद करूँगा। ठीक है, अच्छे से बंद कर दो, ये बंद हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसको यहाँ से बंद कर दो। और दोस्तों 5 मिनट होल्ड करके रखना है, अगर ये लीकेज रहेगा तो वैक्यूम टूट जाएगा। ठीक है, और लीकेज नहीं रहेगा तो ये दोस्तों 0 से जो उधर है तो उधर ही रहेगा। वैक्यूम करने के बाद दोस्तों अगर लीकेज नहीं रहेगा तो यहीं पर रहेगा, और लीकेज रहेगा तो 0 से इधर आ जाएगा कांटा, बट दोस्तों नहीं जा रहा, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बंद कर दिया हूँ यहाँ से, अब इसको खोल लूँगा यहाँ से चार्जिंग लाइन। अब इसको क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ सिलेंडर में ये वाला सिलेंडर, तो इसमें लगाऊँगा मैं, टाइट हो गया ये। ठीक है, पन जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको बाल्टी से खोल लो, जरा खोल दिया। ठीक है, इसको पलट देता हूँ मैं ऐसे, तो देख सकते हैं यहाँ वैक्यूम नहीं टूटा, ये 0 से उधर ही एक आटा। ठीक है, तो चलिए इसमें से सबसे पहले दोस्तों ये बंद रहेगा, इधर ही से गैस जाएगा एसी में, तो ये बंद रहेगा, और यहाँ से थोड़ा दोस्तों जो पाइप में प्रेशर भरा हुआ है वो निकाल देंगे। तो यहाँ से सिलेंडर खोलने के बाद यहाँ से प्रेशर निकाल दो, ऐसे निकल गया। अब यहाँ से मैं गैस डालूँगा इसमें, ऐसे देखे आपने प्रेशर निकाल दिया, फिर यहाँ से बंद कर दिया था, फिर यहाँ से खोल के दोस्तों एसी में जा रहा है ये गैस। ठीक है, तो मैंने लगभग स्टैंडिंग प्रेशर डाला है दोस्तों, यहाँ कितना है ये देख सकते हैं, यहाँ पे 100 से कम है कुछ, और ये काटा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। वैक्यूम करने के बाद एक बार ये सेक्शन का जो पाइप है इसको छू के देख लेना चाहिए, ये ठंडा रहेगा तभी एसी चालू करना है, क्योंकि वैक्यूम में अगर एसी चालू करेंगे तो एसी फट जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेगी ये जो पाइप से गैस आई है वो यहाँ से अंदर में अंदर आउटडोर में गई है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम ठंडा लग रहा है, मतलब गया है एसी आउटडोर में। तो एक चीज़ और, वैक्यूम करने से पहले आउटडोर का वायर खोल लिया करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर वैक्यूम में हम एसी चला देंगे तो एसी ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वायरिंग लगा देता हूँ मैं जरा, वरना तो गैस डालने के बाद ही मतलब वायरिंग लगाना है। ठीक है, वैक्यूम करने से पहले वायरिंग निकाल लेना है, याद रखना फट जाता है एसी, सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, दिमाग में घुसा लेना। वीडियो को लाइक करो दोस्तों और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ये अर्थिंग का वायर है, अर्थिंग का वायर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लगा देता हूँ मैं। वैक्यूम करने से दोस्तों कूलिंग जो होती है दोस्तों वो अच्छी आती है। ठीक है, और ओरिजिनल गैस डालना है, लोकल नहीं डालना है। अब मैं एम्पियर लगा लेता हूँ इसमें, ये रहा मेरा एम्पियर। ठीक है,
तो ये लगा लिया मैंने, अब एसी ऑन करता हूँ जाके मैं, ठीक है। चलिए एसी ऑन करते हैं अंदर में। देखिए आउटडोर चल गया है, ठीक है। एम पी एल ले रहा है कितना, 2.6 ले रहा है। और गैस डालता हूँ मैं, ये देखिए, तो गैस डालता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। एम्पियर 3 ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आइस आ चुका है डिस्चार्ज लाइन पे, ठीक है। गैस कम रहता है तो डिस्चार्ज लाइन पे आइस आने लगता है, ठीक है। तो गैस कंप्लीट होगा तो डिस्चार्ज लाइन की आइस हट जाएगी। यहाँ से देखिए एम्पियर बढ़ा है, 4 एम्पियर ले रहा है। देखिए ये आइस गया, ठीक है, देख सकते हैं ये आइस। देखिए दोस्तों गैस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 0 और 100 के बीच में काटा, यानी 50-55 PSI डालते हैं R22 में, ठीक है। तो गैस कंप्लीट हो चुकी है ये वाली, ठीक है, देख सकते हैं। और मतलब ये आइस जा चुका है, ठीक है, और रिटर्न भी अच्छा खासा आ रहा है। और एम्पियर देख सकते हैं 6 ले रहा है। तो अब मैं एसी बंद कर देता हूँ, सॉरी, अब मैं मतलब गैस डालना बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वैक्यूम पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है, बाय। मिलते हैं एक और वीडियो में।